तो हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज़ लाने हैं और अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, आपको भी वीडियो बनानी नहीं आती, बोलना नहीं आता कैमरे के सामने कि आपके ना माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, रिंग लाइट नहीं है या एडिटिंग करने के लिए अच्छा पीसी नहीं है और आप भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हो, उससे अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैनल लेके आ चुका हूँ जिससे आप इन सारी चीज़ों को मारो गोली। आपको सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहना है कि अगर आप ये कर सकते हो तो हर कोई कर सकता है। तो इस तरह का चैनल बनाने वाले का आज मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आइए गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। गाइस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे डेली टेक कंटेंट मिलता है, डेली वीडियो अपलोडेड। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो इसके हर चीज़ के दो फायदे होते हैं, एक नुकसान होता है और एक फ़ायदा होता है। गाइस इस तरह के चैनल के लिए भी दो तरीके हैं, एक तो नुकसान है और एक इसमें फ़ायदा है। फ़ायदे ही बहुत सारे हैं, नुकसान दो तीन हैं। तो गाइस पहले फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं, नुकसान के बारे में मैं बाद में बताऊँगा कि इस तरह के चैनल में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। आपने कई तरह के चैनल्स देखे होंगे यूट्यूब पर, जैसे बहुत से लोग औरों की वीडियोस अपलोड कर देते हैं अपनी चैनल पे और उनसे अच्छा खासा रिव्यू जनरेट कर लेते हैं और गाइस उससे अच्छी खासी अर्निंग भी बहुत हो जाती है और व्यूज़ भी बहुत तगड़े व्यूज़ आते हैं। क्योंकि गाइस एक तो जो जिनकी वीडियोस आप डालते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, उनसे अपना फेस जो होता है उनका फेस वैल्यू रहता है, जैसे मनोज दे, टेक्निकल गुरु जी और ये जुन्नू के टैग और कैरी मिनाटी, टेक्नो गेमर, इन सबकी जो फेस वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है, अगर आप किसी थंबनेल पे इनका फेस लगा देते हो तो वो बंदा उनकी वीडियोस पे क्लिक करेगा ही करेगा। कैरी मिनाटी का आप किसी पे भी लगा दो, कैरी मिनाटी की हर वीडियोस पे कई हज़ारों में व्यूज़ आएंगे। अगर कोई नया चैनल भी होगा उस पे भी हज़ारों में व्यूज़ चले जाएंगे अगर कैरी मिनाटी का फेस लगाते हो, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पसंद करते हैं कैरी मिनाटी को। तो अगर आपको ऐसा चैनल बनाना है जिन पे तगड़े व्यूज़ आने हैं, आपको रेवेन्यू अच्छी करिए जनरेट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, किसी के भी यूट्यूबर को आपकी लाइव स्ट्रीम में जाना है। जैसे कैरी मिनाटी की ले लो, कैरी मिनाटी डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो आपको उनकी कैरी मिनाटी लाइव चैनल पे जाना है और उनकी जो वो है लाइव स्ट्रीम उन पर पूरी वॉच करनी है। अब गाइस पूरी तो वॉच करनी पड़ेगी क्योंकि गाइस बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। यहाँ तक आप कुछ चीज़ खरीदने भी जाते हो तो उसे अच्छी तरीके से देखते हो, उसके अच्छे से रेट लगाते हो और उन्हें खरीदने में भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस यहाँ तो बात मेहनत का ही चल रही है, यहाँ पे बिन मेहनत के कुछ नहीं होता। आपको उनकी ढाई घंटे की, दो घंटे की, तीन घंटे की लाइव स्ट्रीम करते हैं वो, उन्हें पूरी वॉच करनी है और बीच बीच में आपको कोई ऐसे सीन चूज़ करने हैं जो कि बहुत फनी हो। जैसे कि कैरी मिनाटी बहुत तरह की गालियाँ बकते हैं, तो गाइस कुछ ऐसी गालियाँ उनकी कट करनी है और कुछ ऐसे सीन मूवमेंट करने हैं जहाँ पे कैरी मिनाटी बहुत अच्छा खेले हों या बहुत अच्छी स्ट्रीम करी हो, उन्होंने कुछ भी अच्छा करा हो, उन सीनों को कट कर लेना है, उन सारी जो अच्छे अच्छे सीन हो उनकी लाइव स्ट्रीम में। दो ढाई घंटे की लाइव स्ट्रीम में आपको इजीली कोई ऐसे सीन मिल जाएंगे जो बहुत ही फनी मूवमेंट होंगे, उन स्ट्रीमों को काट के अपने एडिटिंग करके एक वीडियो बना लेनी है तीन से चार मिनट की। दो से तीन घंटे की वीडियो में आपको दो से तीन मिनट की वीडियो बना लेनी है, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे आपको। बट गाइस आती है थंबनेल की बात, कैरी मिनाटी का फेस वैल्यू ऑलरेडी से बहुत हाई है, हाई रैंक पे चलता है उनका फेस वैल्यू। अगर आपको उनकी जो थंबनेल बनाना है आपको क्या लिखना पड़ेगा कि कैरी मिनाटी, बहुत से लोग गाली दे देते हैं, तो यूँ लिख दीजिए कैरी मिनाटी ने अपने सब्सक्राइबर को दी गाली। तो गाइस इस तरीके पे आप बहुत अच्छे खासे व्यूज़ छाप सकते हो। गाइस ये तो कोई फ़ायदे की बात, आप उससे अच्छा खासा व्यूज़ भी मान सकते हो, लाइक भी आते हैं, सब्सक्राइब भी आ जाएंगे बहुत अच्छे खासे। लेकिन इस तरह के चैनल जो होते हैं वो बहुत ही रिस्क वाले होते हैं, इन पे रिस्क बहुत तगड़ा होता है क्योंकि इन पे कभी भी कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक या फिर प्लस वन आ सकता है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बता दूं, जो आप शुरू में वीडियोस डालोगे उनसे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक के आपके सब्सक्राइबर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या फिर 10 लाख नहीं हो जाते, तब तक आप पे कोई रिस्क नहीं है। बट गाइज अगर आप कैरी मिनाटी की वीडियोस डाल ले हो और अगर आपका चैनल बढ़ गया, ग्रोथ कर गया, फिर आपके चैनल पे रिस्क आ जाएगा। तो रिस्क क्यों आएगा, क्योंकि अगर आपका कोई कैरी मिनाटी अगर आपकी वीडियोस पे आ गया, आपका चैनल उनकी नज़र में आ गया और उनकी वीडियोस से आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ और सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो उनको खतरा हो जाएगा क्योंकि
उनके आधे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो आपके चैनल पर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी कह रहे मराठी और इधर भी कह रहे मराठी, तो ऐसे व्यूज़ बढ़ जाते हैं, ऑडियंस बढ़ जाती है, इसलिए वो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं ताकि इनका चैनल बंद हो जाए और जो इन पे व्यूज़ थे हमारे चैनल पे वो कह रहे मराठी पे ही वापस चले जाएं जो इनसे हमने छीने थे। तो इस तरह के चैनल पे इस तरह के रिस्क होते ही हैं। अब गाइस इन्हें कह रहे मराठी की नज़र में चैनल तब आएंगे जब आपके चैनल पे लाखों में या मिलियंस में सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। इससे पहले तो कोई यूट्यूबर इतना गौर देता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी ही वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, तो स्ट्राइक कहां से देंगे वो। जब उनके चैनल नज़र में जाएगा चैनल, तभी वो स्ट्राइक दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। आप अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और गाइज यही इसका रिक्स था, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टाइम पैसा कमाना है, मतलब एक तो लॉन्ग टाइम होता है, एक शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम ऐसा होता है अगर आपको सिर्फ एक बार, दो बार, पांच बार, दस बार या 15-20 बार पैसा कमाना है, तो ये बेस्ट तरीका है शॉर्ट्स का। शॉर्ट्स नहीं डालने हैं, मतलब मैं शॉर्ट टर्म का बात कर रहा हूँ, ताकि किसी की वीडियो लेके डाल देना वो चैनल कब तक चलेगा कोई पता नहीं रहता, कि आज 10 साल चल गया, 5 साल चल गया, 6 साल चल गया। तो इस तरह के चैनल चल जाते हैं 5-6 साल या 10 साल भी चल जाते हैं, फिर उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हर वीडियो किसी न किसी की कॉपी करके डाली होती है, तो वो स्ट्राइक दे सकता है जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है। अब गाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म वीडियोज़ डालनी है, तो गाइज उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसके अंदर अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको बोलने का अच्छा तरीका सीखना पड़ेगा, आपको अच्छा माइक, अच्छा ट्राइपॉड, ये आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो लॉन्ग टाइम वीडियो अगर आपको बनानी है, लॉन्ग टाइम यूट्यूब से पैसा कमाना है, एक बार कमा लिया फिर रुक गए, अगर आपको ऐसा कमाना है तो शॉर्ट चुनिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम पैसा कमाना है कि मुझे कमाते ही रहना है ज़िंदगी भर, यूट्यूब से कमाते रहना है, तो आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको अपना गेमिंग चैनल बनाना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो आप खुद से क्रिएट करते हो, ना कि किसी और की कॉपी करते हो। अगर आप लॉन्ग टाइम कमाना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका है। और अगर मेरी नज़र में मानूँ तो अगर आपको शॉर्ट बनाना है, मतलब शॉर्ट टर्न से अगर पैसा कमाना है, तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक बार कमा लिया, दो बार कमा लिया, और फिर जब शॉर्ट्स बड़े हो जाएंगे, शॉर्ट टर्न बड़ा हो जाएगा आपका चैनल, तो वो किसी की नज़र में आ सकता है और वो आपको कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता है, स्ट्राइक भी दे सकता है, आपका चैनल 2 मिनट में उड़ जाएगा, आपको वहाँ से सिर्फ 2-3 लाख रुपए ही जनरेट हो पाएंगे बस गाइस। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू अच्छी जनरेट करनी है, तो आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नोटअप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।